वेलकम बैक टू मित्र क्लासेस एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्लास 11th बिजनेस स्टडीज विच इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन. इन द लास्ट वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड थ्री टॉपिक्स, कंसेप्ट ऑफ बिजनेस, ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एंड करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस. बट टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस इकोनॉमिक एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन. इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूं क्या होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. आज मैं आपको उसकी क्लासिफिकेशन करके बताऊंगा कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को हम किन किन पार्ट में क्लासिफाई यानी कि डिवाइड कर सकते हैं. अगर आप लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन. लेकिन आप लोगों को अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं. ठीक है, वैसे तो मैं अपने वीडियो में बता चुका हूं बट आपके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं यहां पर कि देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब क्या है कि ऐसी एक्टिविटी जिसको करने से आपको रिटर्न में कुछ मिले. ठीक है, इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, मनी की टर्म्स में आपको कुछ ना कुछ रिटर्न में मिले. ठीक है, मतलब आपको प्रॉफिट हो, वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ठीक है, और सपोज ये ए पर्सन है या मान लेते हैं ये आप हैं. आपने किसी का मतलब कि कहीं पे आप पढ़ाते हैं. ठीक है, टीच, आप कहीं पे पढ़ाते हैं तो वहां पर जहां भी आप पढ़ाते हैं, जिस जगह पे जैसे स्कूल के अंदर आप पढ़ाते हैं, वो आपको कुछ ना कुछ पे करते होंगे मनी की टर्म्स में. बस यानी कि आपने अपनी कोई एक्टिविटी करी और उसके बदले में आपने पैसा अर्न किया तो वो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी. ठीक है, और फिर बात आती है सर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी का हो गया. फिर ऐसी एक्टिविटी जो अपने लव अफेक्शन सिंपैथी इन सब चीजों में बह के, भावनाओं में बह के, इमोशनल होके, ठीक है, आपने इमोशनल होके कोई काम कर दिया तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि रिटर्न में आपको कुछ मिल नहीं रहा है. सपोज आप टीचर हैं या आप अभी स्कूल में पढ़ा रहे थे, तो आप टीचर हैं, आप अपने घर पर, ठीक है, अपने सन को पढ़ा रहे हैं तो क्या आप उससे पैसे लेंगे? बेटा लाभ मैं तो वो पढ़ा रहा हूं, मुझे पैसे चाहिए, ऐसे बोलेंगे आप उसको? नहीं बोलेंगे ना. आपने लव अफेक्शन सिंपैथी इमोशनल, यानी कि इमोशनली आप कोई काम करे, आपको कुछ रिटर्न में पैसे कुछ नहीं मिले, कुछ अर्न ना होता हो तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करा जाएगा. और अगर कुछ अर्न हो गया तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में काउंट करा जाएगा. और आज हम इसी इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन करने जा रहे हैं. तो चलिए देखते हैं क्लासिफिकेशन. देखिए बिजनेस, पहला वर्ड है इकोनॉमिक एक्टिविटी का क्लासिफिकेशन में पहला ही पार्ट आ गया बिजनेस. क्या मतलब है बिजनेस का? क्या मतलब होता है बिजनेस का? मैं आपको बता चुका हूं लास्ट वीडियो में कि बिजनेस का मतलब क्या होता है, बट यहां पर उसकी मीनिंग एक बार दोबारा सुन लेते हैं. हम यहां पर क्लासिफाई करने बैठे हैं तो दोबारा सुन लेना चाहिए हमें. ठीक है, यहां देखो इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन. ध्यान देना, इट रेफर्स टू दोज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, वैसी यानी कि ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो किससे कनेक्टेड हो, विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज. या तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, या तो आप खुद ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, या आप कहीं से प्रोडक्शन यानी कि बना बनाया सामान आप खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं. ठीक है, या तो खुद बना रहे हैं या कहीं से बना बनाया सामान खरीद रहे हैं आगे बेचने के लिए, वो होता है. ठीक है, देखो यहां लिखा भी हुआ है एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट. अब दोबारा सुने, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसके अंदर जो कनेक्टेड हो प्रोडक्शन से, ठीक है, या तो प्रोडक्शन हो रहा हो उस एक्टिविटी के अंदर या परचेज करा जा रहा हो. ठीक है, और उस परचेज को या प्रोडक्शन क्यों कर रहे हैं उस एक्टिविटी में, ताकि उसको सेल करा जा सके. या तो आपने खुद अपना गुड बनाया और आगे सेल करने के लिए लेके गए और इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि आपको प्रॉफिट हो. ठीक है, यानी कि जब भी कोई पर्सन कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर अगर वो या तो खुद प्रोडक्शन करके कोई गुड बना रहा है और उसको सेल करने के लिए लेके जा रहा है प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, तो वो बिजनेस कर रहा है. या फिर वो कहीं से बना बनाया माल खरीद रहा है और उसको फिर आगे सेल करने लेके जा रहा है प्रॉफिट कमाने के मोटिव से, तो भी वो बिजनेस कर रहा है. ठीक है, मैं आपको बता दें बिजनेस का सिंपल सा मतलब क्या होता है. ठीक है,
अब बात करते हैं प्रोफेशन। बिजनेस में आपको ज्यादा जाने की जरूरत है नहीं भाई, आपको इतना पता लगा भाई कैसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें आपको मतलब ये प्रॉफिट हो, प्रॉफिट के मोटिव से आपने परचेज या प्रोडक्शन करी सेल करने के लिए, तो बस वो बिजनेस हो गया। प्रोफेशन क्या है? तो इट इंक्लूड दोज एक्टिविटीज, इट इंक्लूड दोज एक्टिविटीज विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल to be applied by individuals in their occupation, yani ki aisi activity jiske andar special knowledge aur skill ho, yani ki applied hoti ho, theek hai, aise yani ki activity jisme aapka khud ka knowledge lagta ho, khud ki skill kaam karti ho, wo profession hota hai, theek hai। ab yahan par dekho, such activities are generally subject to guidelines or code of conduct laid down by professional bodies। professional bodies मतलब एक association होता है, ठीक है, जिसके आप member होते हैं। अगर आप कोई profession में है, किसी profession में है जिसमें आप अपनी knowledge और skill का use करके उस profession में earning कर रहे हैं, ठीक है, तो वो profession, जिस profession में है आप, उस प्रोफेशन का एक पूरा एसोसिएशन होता है, एक पूरा ग्रुप होता है बहुत बड़ा, ठीक है, जो आपको गाइडलाइन यानी कि रूल्स इशू करता है उस प्रोफेशन में रहने के, यानी कि उस प्रोफेशन में आपको काम करने के रूल्स, एक आपका उस प्रोफेशन से रिलेटेड एसोसिएशन आपको लागू करता है कि आप इस रूल के मुताबिक ही काम करेंगे, उसी को कोड ऑफ कंडक्ट बोला गया है यहां पर। जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, ठीक है, या तो डॉक्टर वगैरह होते हैं, या मेडिकल में जो लॉयर वगैरह, मेडिकल से हो गया डॉक्टर के लिए, और लॉयर वगैरह जो होते हैं वो बार एसोसिएशन में उनका रजिस्टर्ड होता है, यानी कि ठीक है, तो जो डॉक्टर है वो मेडिकल एसोसिएशन में, ठीक है, और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो ICAI में, ठीक है, CA के लिए ICAI, ठीक है, डॉक्टर्स के लिए मेडिकल एसोसिएशन, और जो लॉयर्स होते हैं उनके लिए बार एसोसिएशन। इनके ये अपने अपने फील्ड में यानी कि जिस प्रोफेशन में है उस प्रोफेशन के हिसाब से इनका एसोसिएशन मैं आपको बता दिया, और ये इनके एसोसिएशन इनको कोड ऑफ कंडक्ट लागू करते हैं, इसके हिसाब से इनको काम करना होता है। जैसे CA किसके हिसाब से काम करेगा, ICAI के गाइडलाइन के अनुसार ही CA काम करेगा, ठीक है, ऐसे बार एसोसिएशन के हिसाब से ही लॉयर काम करेगा, मेडिकल एसोसिएशन के हिसाब से ही डॉक्टर काम करेगा, ठीक है। तो ये था हमारा प्रोफेशन का मतलब, ठीक है। अब बात आती है, जो लोग प्रोफेशन में होते हैं उनको प्रोफेशनल कहा जाता है, ठीक है, जैसे बिजनेस जो करता है उसको बिजनेसमैन, या अगर लेडीज है तो बिजनेस वुमेन कहा जाता है, और जो प्रोफेशन में है उसको एक ही वर्ड है, प्रोफेशनल, वेदर इज मेल और फीमेल, ठीक है। फिर है एम्प्लॉयमेंट वर्ड, तो गाइज यहां लिखा है, इट रेफर्स टू द ऑक्यूपेशन इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेटेड इन रिटर्न। एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग, ठीक है, क्या है मतलब कि कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, यानी कि एक ऐसा ऑक्यूपेशन जिसमें लोग दूसरे के लिए काम करते हैं, ठीक है, यानी खुद अपना काम नहीं कर रहे, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, और बदले में उनसे उसको कुछ रेमुनरेशन मिल रहा है, यानी कि सैलरी होगी, वेजेस हो गए, ये उनको मिल रहा है रिटर्न में, ठीक है, तो उनको ही क्या बोलते हैं कि वो यू एम्प्लॉयमेंट में है। और जो पर्सन, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर आर नोन एज एम्प्लॉयज, यानी कि जो पर्सन दूसरे के द्वारा एम्प्लॉय करे जाते हैं उनको एम्प्लॉयज कहते हैं। सपोज बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, ठीक है, अब ये पर्सन ए है, तीन केस लेते हैं पहले, यहां पे ये पर्सन ए जाता है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री में अगर ये वर्क करता है, फैक्ट्री में ये वर्क कर रहा है, तो इसको वेजेस या सैलरी मिलेगी, ठीक है, तो यानी कि यहां पे काम कर रहा है इसको वेजेस सैलरी मिल रही है। देखो ये फैक्ट्री किसकी, किसी और की, इस फैक्ट्री के लिए इसने काम करा, इसको क्या मिला, वेजेस और या सेल, वेजेस जो इसके लिए मतलब क्या, अगर ये वर्कर है तो वेजेस, अगर इंप्लॉई है तो सैलरी, ठीक है, जो भी इसको मिला रेम्यूनरेशन में वो, तो इसको देखो कुछ ना कुछ मिला, वेजेस या सैलरी मिली इसको यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, किसने किसी और की फैक्ट्री में काम किया और उस फैक्ट्री के मालिक ने इसको वेजेस दिया
बस ये क्या है एम्प्लॉयमेंट में है, ठीक है। अब बात आती है एम्प्लॉयमेंट में, यानी कि एक एम्प्लॉयमेंट होती है जो किसी फैक्ट्री के द्वारा एम्प्लॉयड करी जाती है, और एक होता है जो बैंक ऑफिस के द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है, ठीक है। जैसे यही मान लेते हैं ये पर्सन फैक्ट्री में वर्क कर रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, ये पर्सन एम्प्लॉयड है किसके द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा, फैक्ट्री ने इसको एम्प्लॉयड कर रखा है, यानी कि फैक्ट्री का जो भी ओनर है, ठीक है। फिर बात करते हैं, आप मान लो यही पर्सन, हम मानते बी पर्सन ले लेते हैं यहां पे, यहां पर ये पर्सन बैंक में है, ठीक है, बैंक में ये जॉब करता है, इसको बदले में सैलरी मिलती है, ठीक है, इसको जॉब करता है सैलरी मिलती है, तो ये भी क्या एम्प्लॉयमेंट में है, लेकिन इसको एम्प्लॉय किसने कर रखा है, उस बैंक ने एम्प्लॉय कर रखा है इसको, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट मतलब जो किसी और के लिए काम करे और जिसके लिए काम करे वो उस पर्सन को एम्प्लॉय कर लेता है, ठीक है। तो मैंने आपको मीनिंग यहां पर क्लियर करवा दिया है कि मैं जैसे मैं हूं या आप भी कोई भी हो, ठीक है, अगर आप किसी और के लिए काम करते हैं, ठीक है, और बदले में आपको कुछ रिटर्न में कुछ मिलता है तो आप एम्प्लॉयमेंट में है, और जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वो पर्सन, वो फैक्ट्री, ठीक है, या वो ऑफिस आपको क्या करता है, हायर कर रखा होता है उसने, यानी कि आपको उसने एम्प्लॉयमेंट दे रखी होती है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे, दोज हु आर एम्प्लॉयड बाय अदर्स आर नोन एज एम्प्लॉय, यानी कि बैंक ने आपको एम्प्लॉयड कर लिया, इसलिए आपको किस नाम से जाना गया, एम्प्लॉय के नाम से, समझ आया, ठीक है। फिर है इसके बीच में डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई बैंक प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंस होता